भारत एक ऐसा देश जिसने हमेशा लीडर्स पैदा किए हैं। हाल ही में एक ऐसा नाम सामने आया जिसने 20 साल की एज से ही अपनी सफलता लिखना शुरू कर दिया था। मैं बात कर रहा हूँ ध्रुव राठी की, जिन्हें हाल ही में टाइम मैगजीन, जो दुनिया की सबसे बड़ी और रेप्यूटेड पब्लिकेशन है, उसने ध्रुव राठी को नेक्स्ट जेनरेशन लीडर का ओहदा दिया है। और आज की हमारी सक्सेस स्टोरी है उन्हीं के ऊपर। ध्रुव राठी एक 28 साल के भारतीय यूट्यूबर, ब्लॉगर एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं, जिनके सारे यूट्यूब चैनल मिलाकर 17 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर्स और 3 बिलियन के ऊपर व्यूज हैं। और हाल ही में वो टाइम मैगजीन के नेक्स्ट जेनरेशन लीडर्स की लिस्ट में भी शामिल हुए हैं। ध्रुव के शुरुआती दिनों की बात करें तो उनका जन्म एक हिंदू जाट फैमिली में इंडिया के हरियाणा स्टेट के रोहतक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन हरियाणा में ही पूरी की थी। IIT खड़गपुर से उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। उसके बाद हायर स्टडीज के लिए वो जर्मनी चले गए। वहां पर ध्रुव ने रिन्यूएबल एनर्जी से अपना मास्टर्स जर्मनी के एक रेप्यूटेड ट्यूशन से किया और फिलहाल वो जर्मनी में ही रहते हैं और वहीं से अपना सब मैनेज करते हैं। और उन्होंने थोड़े दिन पहले ही अपनी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड जूली के साथ शादी भी कर ली है। ध्रुव को आज जाना जाता है अपने पॉलिटिकल और सोशल वीडियोस को लेकर, जिनमें ज्यादातर वो फैक्ट चेक करते हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी करते हैं। Often the way you present it makes all the difference about if people are angry about it, if people are convinced. But I feel like my aim is to just present things as simply as possible, break down complex issues in simple words such that almost everyone can understand. One of the reputed newspaper, The Print के according, ध्रुव उन शुरुआती कुछ व्यक्तियों में से थे जिन्होंने YouTube को एज अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म यूज करना स्टार्ट किया था। वैसे शुरुआत उन्होंने 2013 में ट्रेवल वीडियो से करी थी। चाइना और रशिया, दो बड़ी डिक्टेटरशिप्स के बीच मौजूद है ये सुंदर सा खाली सा डेमोक्रेटिक देश मंगोलिया। बट 2013 खत्म होते होते उनका पर्सपेक्टिव सोशल और पॉलिटिकल टॉपिक्स पर शिफ्ट हो गया। ध्रुव ने 2017 से 2020 तक एक पी न्यूज करके भी चैनल चालू किया था, जिसमें वो इंडियन मीडिया द्वारा दिखाई हुई फेक न्यूज को एक मजाक के वे में प्रेजेंट करते थे। दिवाली पर कि सारे 2000 के नोट जिनमें नैनो GPS चिप लगा है वो बैंक, यार पहले बताया करो ना, क्या सॉरी काटो। ध्रुव वन ऑफ द रेप्यूटेड न्यूज़पेपर द प्रिंट में भी अपने कॉलम्स लिखते थे। ध्रुव राठी ने शुरुआत से ही ये एग्जाम्पल सेट किया है कि नॉलेज सबसे ऊपर है। एक इंसान नॉलेज के दम पर वो कर सकता है जो आजकल के पॉलिटिशियन रिलीजन का सहारा लेकर भी नहीं कर पाते। एडिशनली ध्रुव का यूट्यूब व्लॉग चैनल भी है। ये है दोस्तों दुनिया की सबसे कमाल की एयरलाइन सीट, सिंगापुर एयरलाइंस की फर्स्ट क्लास सीट। आमतौर पर जो फर्स्ट क्लास सीट्स होती है उनमें सीट बेड बन जाती है, लेकिन यहाँ पर सीट अलग है और बेड अलग है। यहाँ पे लिटरली एक डबल बेड बन जाता है। आइए आज के ब्लॉग में इसे एक्सप्लोर करते हैं। इसके साथ ही वो नेटफ्लिक्स के शोज में भी फीचर हो चुके हैं। What makes Breaking Bad Breaking Bad? आखिर क्यों इसे one of the greatest shows ever माना जाता है? Well, पहला रीजन तो ये है कि हम टीवी पे ड्रग से रिलेटेड कुछ भी देख लेते हैं आजकल, चाहे वो न्यूज में हो या फिक्शनल शो में। इससे पहले कि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊं, आइए डिकोड करते हैं ब्रेकिंग बैड के सक्सेस को। इसके अलावा उनका एक पॉडकास्ट महाभारत विद ध्रुव राठी भी है Spotify पर। उन्होंने कई सारी कंट्रोवर्सीज भी फेस करी हैं, पाकिस्तान से लेकर कंगना तक काफी कंट्रोवर्सीज में उनका नाम आया है। और उन्होंने सक्सेसफुली खुद को
डिफेंड भी किया है और आज वो जर्मनी में रहकर भी इंडिया और इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक प्राउड की बात है फॉर मी एज ए इंडियन। एंड आई विश ये सक्सेस तो बस शुरुआत हो, बिकॉज ही इज जस्ट 28 और इस एज में जो उन्होंने कर लिया है वो बड़े बड़े भी नहीं कर पाते। टचवुड अभी पूरी जिंदगी है और वो ऐसे ही भारत के लोगों को रियलिटी बताते रहेंगे और भारत का नाम रोशन करते रहेंगे। सोशल वेव ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग व्हाट्सएप एंड यूट्यूब एंड ऑल दीस थिंग्स, पीपल स्टार्टेड ट्रस्टिंग दीस सोर्सेस ब्लाइंडली, जस्ट लाइक दे ट्रस्टेड द मीडिया और द टीवी चैनल्स। I feel that the news channels are obviously not doing their job and that's why people come to watch channels like me. I wish ye content aapko pasand aaya hoga. If yes, then please subscribe the channel. This will influence me to create more high quality content. And guess what? I have another success story. Wants to listen? Then help me reach 1000 likes and 200 comments. Thank you. See you in the next one. Peace out.